नमस्कार। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि 2020 में आखिरकार और क्या हो सकता है। एक तरफ तो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस का असर जो दुनिया भर में देखा जा रहा है, फिर दंगे हुए हैं, रायट्स हुए हैं दिल्ली में, चीन के साथ बॉर्डर पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर झड़प हुई है, लड़ाई के संकेत हो रहे हैं, मर्डर होने जा रहे हैं कहीं, और अर्थक्वेक्स हो रहे हैं, साइक्लोन आए हैं बस पश्चिम बंगाल में। आखिरकार 2020 में और क्या क्या हो सकता है। तो आज जब दिल्ली और गुरुग्राम के लोग सुबह सुबह उठे थे, उन्होंने देखा कि उनके सर के ऊपर लोकस्ट के स्वॉर्म आए हैं, तितली के स्वॉर्म आए हैं, और वो थाली बजा के उनको भगाने की कोशिश कर रहे थे। तो हर दिन लगता है कि कुछ ताजा नया होने वाला है, और अभी तो याद रखिए साल अभी आधा ही खत्म हुआ है, 1 जुलाई को साल आधा खत्म होगा। तो अब बाकी 6 महीने में क्या होगा, हम सिर्फ आशा कर सकते हैं कि जो आगे के 6 महीने हैं, इन 6 महीनों से अच्छे गुजरेंगे। चलिए दिखाते हैं आज की मुख्य सुर्खियां। शनिवार को टिड्डी दल ने हरियाणा पर अपना हमला बोल दिया। लाखों की तादाद में इन टिड्डियों ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, झज्जर और चरखी दादरी में एंट्री मारी और लोगों को परेशानी में डाल दिया। इन टिड्डियों का खौफ इतना रहा कि झज्जर में किसान अपनी फसल को बचाने के लिए अलग अलग तरह से बचाव के उपाय करते नजर आए। आसमान में अचानक दिखे टिड्डियों के दल से किसानों के साथ साथ अफसरों के भी हाथ पांव फूल गए। इस दौरान पुलिस के जवान भी हूटर, सायरन और ढोल बजवाकर टिड्डियों को भगाते हुए नजर आए। दिल्ली से लगते फरीदाबाद और गुरुग्राम में इनका आतंक देखने के बाद दिल्ली सरकार ने भी इस मसले पर आपात बैठक की और इन्हें भगाने के उपायों पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में टिड्डी दल के हमले के मद्देनजर राज्य सरकार ने शनिवार को एक आपात बैठक की। मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विकास सचिव, डिविजनल कमिश्नर, डायरेक्टर एग्रीकल्चर, डीएम साउथ दिल्ली, डीएम वेस्ट दिल्ली और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई, जिसके तहत प्रभावित इलाकों में ढोल, ड्रम और डीजे बजाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा केमिकल और दवाओं के छिड़काव की भी बात कही गई है। बैठक में दिल्ली के साउथ, वेस्ट और साउथ वेस्ट जिले के डीएम को हाई अलर्ट पर रहने को भी कहा गया है और उन्हें हर पहलू को बारीकी से मॉनिटर करने का निर्देश दिया गया है। कुछ बुजुर्गों के मुताबिक दिल्ली में अब से पहले साल 1952 में इस तरह के टिड्डी दल का हमला हुआ था। चीन की ओर से लद्दाख सेक्टर में गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। भारत चीन के बीच बातचीत का दौर लगातार चल रहा है, लेकिन अभी तक तनातनी का कोई समाधान नहीं निकला है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना ने पेंगोंग सो क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करना शुरू कर दिया है। चीन ने फिंगर फोर पर एक हेलीपैड का निर्माण और पेंगोंग सो के दक्षिणी तट पर सैनिकों की अचानक वृद्धि की है। चीन के इस ओछी हरकत के बाद भारतीय सेना अलर्ट हो गई है। बताया जा रहा है कि यहां से चीन आगे बढ़ने की कोशिश कर सकती है। चीन के इस हरकत के बाद माना जा रहा है कि बीजिंग शांति समझौता नहीं चाहता। रक्षा मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी ने अंग्रेजी अखबार को बताया कि यह सही है कि चीनी सैनिक अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उत्तरी पेंगोंग इलाके में निर्माण शुरू कर दिया है। पेंगोंग के फिंगर फोर के पास चीन हेलीपैड बना रहा है। लद्दाख में चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, लगातार उकसावे की हरकत कर रहा है। गलवान के बाद अब चीनी सेना ने पेंगोंग लेक के इलाके में भी अपनी तैनाती बढ़ा दी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ताज़ा सैटेलाइट इमेज में साफ दिख रहा है कि पेंगोंग सो के फिंगर फोर और फिंगर फाइव के बीच चीनी सेना ने अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। फिंगर फोर से फिंगर एट का इलाका भारत का है। सैटेलाइट इमेज में देखा जा सकता है कि पेंगोंग लेक में फिंगर फोर इलाके में इस वक्त चीनी सेना टेंट, साजो सामान और गाड़ियों के साथ मौजूद है। यही नहीं, फिंगर फोर से लेकर फिंगर एट तक चीन ने एक रास्ता भी बना लिया है। इमेज के जरिए देखा जा सकता है कि इस इलाके में गुलाबी रंग के टेंट हैं, जो कि चीनी सेना के हैं। कुछ सैनिक पहाड़ियों पर हैं, जबकि कुछ गलवान नदी के पास मौजूद हैं, यानी चारों तरफ बिखरे हुए। जवाब में भारतीय सेना ने भी यहां अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। पर चीनी बदमाशी यहीं खत्म नहीं होती। इमेज में साफ देखा जा सकता है कि चीन ने पेंगोंग लेक में फिंगर फोर के पास बोट तैनात कर रखी है, जो कि भारत का है, जबकि पहले चीन अपने बोट फिंगर एट के पास रखता था। कांग्रेस के आरोपों से लगातार बैकफुट पर दिख रही केंद्र सरकार ने शनिवार को पलटवार किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजीव गांधी फाउंडेशन की फंडिंग को लेकर 10 सवाल उठाए और कहा कि कांग्रेस ने देश के साथ जो विश्वासघात किया है, उसके बाद वो इन सवालों से बच नहीं सकती।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले कि देश जानना चाहता है कि राजीव गांधी फाउंडेशन और चीन सरकार के बीच क्या तय हुआ था और साल 2005 से 2009 के बीच संस्था को चीनी दूतावास से कितना दान मिला। नड्डा बोले कि आज भारत के लोग जानना चाहते हैं कि सीएजी ऑडिटिंग के लिए राजीव गांधी फाउंडेशन के अकाउंट्स ने मना क्यों किया और क्यों इनकी ऑडिटिंग नहीं हुई। नड्डा ने मेहुल चौकसी का भी मुद्दा उठाकर कांग्रेस से पूछा कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने क्यों चौकसी से चंदा लिया और इसके पीछे कांग्रेस की क्या साठगांठ थी। राजीव गांधी फाउंडेशन की फंडिंग को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है। शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के सवालों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा अर्धसत्य बोलने में माहिर हैं। मेरे सहयोगी श्री रणदीप सुरजेवाला ने कल उनकी आधी सच्चाई उजागर की थी। अपने एक अन्य ट्वीट में चिदम्बरम ने लिखा कि आरजीएफ को 15 साल पहले मिले अनुदान को मोदी सरकार की निगरानी में 2020 में चीन का भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ से क्या करना है। मान लीजिए कि आरजीएफ 20 लाख रुपए लौटा देती है तो क्या प्रधानमंत्री मोदी देश को भरोसा दिलाएंगे कि चीन अपना अतिक्रमण खाली करेगा और यथास्थिति बहाल करेगा। संदेसरा ग्रुप के खिलाफ 5000 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच कर रही ईडी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के घर पहुंची। एजेंसी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन उन्होंने कहा था कि वह सीनियर सिटीजन है और कोविड-19 गाइडलाइंस के कारण पूछताछ के लिए नहीं जा सकते। गुजरात की फार्मा कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक पर चल रहे लोन घोटाला के मामले के सिलसिले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। उसी मामले में शनिवार को ईडी ने कांग्रेस नेता अहमद पटेल से पूछताछ की। प्रमोटर संदेसरा बंधुओं से अहमद पटेल परिवार के संबंधों की जांच चल रही है। जांच एजेंसी ने अहमद पटेल के दामाद और बेटे के बाद खुद पटेल पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। खबरों की माने तो संदेसरा भाइयों ने फर्जी कंपनियों के जरिए पीएनबी से बड़ा घोटाला किया है। ईडी का दावा है कि नितिन संदेसरा, चेतन संदेसरा और दीप्ति संदेसरा ने मिलकर 14,500 करोड़ का घोटाला करने का काम किया है। भारत में अब कोरोना मरीजों की संख्या 5 लाख के पार पहुंच गई है। शनिवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े ये बता रहे हैं कि हालात किस कदर खौफनाक हैं। शनिवार को बीते 24 घंटे में 18,552 नए कोरोना मरीज सामने आए, जो कि एक दिन में सबसे बड़ी छलांग है। 24 घंटे में 384 मरीजों ने कोरोना से दम भी तोड़ा है। इसके साथ ही अब देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 5,08,953 हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या बढ़कर 15,685 हो गई है। देश में फिलहाल कोरोना के एक्टिव केस 1,97,000 हैं, जबकि 2,95,881 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 24 घंटे में 10,244 लोग ठीक हुए हैं, जो एक दिन में ठीक होने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। अच्छी खबर यह है कि देश में कोरोना से रिकवरी रेट 58.13% पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डॉक्टर जोसेफ मार थोमा मेट्रोपॉलिटन की 90वें जयंती समारोह में उद्घाटन भाषण दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश में कोरोना के हालात कई देशों से बेहतर हैं। पीएम ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से सरकार और लोगों द्वारा लड़ी जा रही लड़ाई में कई पहल की गई। भारत की स्थिति अन्य देशों की तुलना में बहुत बेहतर है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि दुनिया इस समय वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ रही है। कोविड-19 केवल एक शारीरिक बीमारी नहीं है, जो लोगों के जीवन के लिए खतरा है। यह हमारा ध्यान अस्वस्थ जीवन शैलियों की ओर भी ले जाती है। मोदी ने कहा कि हमने लॉकडाउन का फैसला दिल्ली के आरामदायक सरकारी दफ्तरों से नहीं, बल्कि जमीनी तौर पर लोगों से मिले फीडबैक के बाद लिए हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने सामुदायिक प्रसार की बात कही है। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि हमें ये बात माननी होगी कि राज्य में सामुदायिक प्रसार शुरू हो गया है, क्योंकि राज्य के हर हिस्से से संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सख्त SOP लागू की है, जिसके तहत राज्य में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को या तो खुद की जाँच करानी होगी या 14 दिनों के लिए घर से बाहर क्वारंटीन होना होगा। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि गोवा में शुक्रवार को कोरोना के 44 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 1039 पहुंच गया। इनमें से फिलहाल 667 लोग संक्रमित हैं। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सीरोलॉजिकल सर्वे की शनिवार यानी आज से शुरुआत होगी।
शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि हर दिन 20,000 लोगों में एंटीबॉडी की जांच की जाएगी। इस सर्वे के जरिए दिल्ली में कोविड-19 का व्यापक विश्लेषण किया जाएगा, साथ ही वैश्विक महामारी से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति बनाने में भी यह सहायक होगा। सीरोलॉजी जांच समुदायों के बीच निगरानी रखने के लिए होती है, इससे कोरोना वायरस के खिलाफ प्रतिरोधी क्षमता के बारे में जानकारी मिल सकती है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। शनिवार सुबह तक दुनिया भर में कोरोना के 99,00,000 से ज्यादा मामले हो गए और 4,96,000 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही खबर है कि अमेरिका के सबसे अहम राज्य टेक्सास में बाजारों के खोले जाने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। दरअसल बाजार खुलने के बाद इस राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ने लगे थे। अमेरिका में टेक्सास के अलावा बाकी राज्यों में भी यही हाल है। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल कीमतों में नरमी के बीच आज लगातार 21वें दिन डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई। शनिवार को जहां डीजल 21 पैसे महंगा हुआ, वहीं पेट्रोल कीमत में 25 पैसे का इजाफा हुआ है। पिछले 21 दिनों में डीजल 11 रुपए तो पेट्रोल 9 रुपए 12 पैसे महंगा हुआ है। अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के लिए आपको 80 रुपए 38 पैसे और डीजल के लिए 80 रुपए 40 पैसे चुकाने होंगे। वहीं मुंबई में पेट्रोल 87 रुपए 14 पैसे और डीजल 78 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। दिल्ली देश का पहला राज्य है जहां पेट्रोल से महंगा डीजल है। शुक्रवार को पेट्रोल पर 21 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 17 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने तो आम आदमी की हालत खराब कर दी है। इसी को देखते हुए शनिवार को चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस की ओर से काले कपड़े पहनकर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कार की अर्थी निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें कार की अर्थी बनाकर जनाजा निकाला गया और रेहड़ी पर बैठकर विरोधी नारेबाजी की गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी आया महंगाई लाया और भाजपा भगाओ देश बचाओ जैसे नारे लगाए। बता दें कि पिछले 21 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है। पिछले 21 दिनों में डीजल 11 रुपए तो पेट्रोल 9 रुपए 12 पैसे महंगा हो चुका है।